नमस्कार, मैं कृति गिरी और आप देख रहे हैं AHN न्यूज। नगर पालिका की लापरवाही, रानी पोखरा पुरानी बस्ती में बारिश होने के कारण तालाब का पानी रोड पर आ गया, जिससे काफी लोगों के घर में पानी आ गया। आए दिन बस्ती में कोरोना मरीज की संख्या बढ़कर ज्यादा होने के कारण मोहल्ले वाले बहुत डरे हुए हैं। तालाब का पानी इतना गंदा हो चुका है, तालाब के चारों तरफ घर हैं, सभी घरों का कचरा उसमें जा रहा है। इसी वजह से तालाब का पानी बहुत दूषित हो चुका है। अगर नगर पालिका ने इस पर पहले से ध्यान दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। पूरे मोहल्ले में पानी का भराव ज्यादा हो गया है। कोरोना का कहर से तो हल्का मचा ही था, रानी पोखरा का पानी रोड पर आने के कारण नाली का कचरा और तालाब का पानी सब कुछ एक बराबर हो चुका है। आने जाने वालों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। आपको बता दें, वार्ड नंबर 7 के सभासद चुनमुन लाल की वजह से पानी निकासी का पंपसेट लगाया गया, जो कि सही तरीके से निकासी नहीं हो रहा है। मोहल्ले में 2 वार्ड होने की वजह से सफाई सही से नहीं हो रही, जिसके कारण गंदगी के कारण अन्य बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। बस्ती से राजन कुमार की खास रिपोर्ट।